नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय टेक्नो एडवाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो A54 के ऊपर बफ गार्ड लगाकर दिखाऊंगा। जुबिटेक कंपनी का मेरे पास ये बफ गार्ड है जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। मतलब जो आप लेमिनेशन कराते हैं फ़ोन के पीछे, तो लेमिनेशन की बजाय आप बफ गार्ड लगवाइए, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बफ गार्ड को कैसे लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पैकेट के अंदर ये ड्राईवेट वाले मिलते हैं, एक नंबर में है वेट यानी गीला, दो नंबर में है ड्राई यानी सूखा वाला। तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो फ़ोन के पीछे जो स्टिकर है हम स्टिकर को हटाएंगे और उसके बाद हम एक नंबर से जो है वेट वाले से इसको क्लीन कर लेंगे पहले। जब भी आप ट्रिंक लगाएं, टेम्पर्ड लगाएं या जब भी बफ गार्ड लगाएं तो ध्यान रखना है कि खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए। रोशनी पूरी होनी चाहिए बट खिड़की दरवाजे इसलिए क्योंकि एकदम से वो हवा चलती है, डस्ट आ जाती है ना, तो दिक्कत हो जाती है। और पंखा भी फैन भी ऑफ कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुले में ना लगाएं क्योंकि डस्ट आती है तो फिर वो बीच में आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। पहले एक नंबर से हमने वेट वाले से किया था, अब दो नंबर से ये जो ड्राई है इससे हम इसे क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। पूरे तरीके से साफ हो चुका है। अब जो हमारे पास बस जो ये है बफ गार्ड, ठीक है, इसमें एक नंबर और दो नंबर यहाँ पर लिखा होता है, यानी कि जो एक नंबर साइड है ना इसको आपको पहले रिमूव करना होता है, दो नंबर को बाद में करना होता है, ठीक है, इसलिए ये दिया गया होता है। तो पहले आप एक नंबर से यहाँ पर इसको प्यार से जो है रिमूव कर देते हैं। ये हमने एक नंबर की जो साइड है उसको हटा दिया है और अब इसे देख के हमें ठीक से इसके ऊपर बिठाना है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि ठीक से बैठा नहीं है तो आप इसे वापस भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी ठीक से बैठ गया, लेकिन मान लीजिए कि ठीक से नहीं बैठा है तो मैं इसे दोबारा उठा दूंगा, ठीक है, ऐसे। और जब तक आपको लगे कि ठीक से बैठा नहीं है आप इसे बार बार उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यही बफ गार्ड का फायदा होता है। तो अभी ये ठीक से जो है बैठ गया है, ठीक है। इसके बीच में अगर कोई डस्ट आ जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो डस्ट निकल जाती है, ठीक है। ये हमारे पास ये मेरा एटीएम कार्ड है, पेटीएम का, इस पर मैंने एक कपड़ा जो है लगा हुआ है। आप अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड किसी पर भी रूमाल से कर सकते हैं तो आपका वो वाइपर बन जाएगा, ठीक है। पहले इसका जो बबल है, जो गैस बन जाती है, इसके अंदर हवा आ जाती है, एयर, उसे हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर कुछ ऐसे लग रहा है, मतलब यहाँ पर सारे में डस्ट है अभी, तो ठीक है, उसे कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो आपने देखा था इसके अंदर डस्ट है, उसे निकालने का तरीका क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। वाइपर को हम रख लेते हैं पास में और इस साइड से यानी नीचे की साइड से, ऊपर की साइड से, कहीं से भी आपको इसे हाफ उठाना है, आधा, ठीक है, आधा उठा के नीचे की तरफ से एक लेयर है वो हम निकाल लेंगे। ये मैंने नीचे की तरफ से एक लेयर निकाली और सीधा वाइपर चला देंगे इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ऊपर की साइड से भी हम दोबारा इसे उठाएंगे और यहाँ से भी नीचे की तरफ से जो हाफ नीचे की तरफ से हाफ हमने पॉलिथीन को उठा लिया है और ये वाइपर को जो है धीरे से इसके ऊपर हम चला देंगे। अभी दोनों तरफ से हमने वाइपर चला के जो है इसकी जो एयर है पूरी निकाल दी है, डस्ट जो है वो निकाल दी। अब करना क्या है कि जो ऊपर वाली लेयर है इसको हटाना है, दो नंबर की जो लेयर थी ना इसको हटाना है, ठीक है। इसको प्यार से उठाना होता है वरना नीचे वाली जो है वो मिडिल वाली वो भी साथ में ही उठ के आ जाती है क्योंकि इसकी गमिंग ऐसी होती है। तो हम इसे प्यार से हटाने की कोशिश करते हैं अभी यहाँ किनारे से, ये पूरी उठ रही है। ठीक है, ये आ गई हाथ में, इसको हम यूं कर देते हैं क्लियर। अब जो किनारे पे है क्योंकि ये टाइट, इसकी वजह से टाइट हो रहा था तो किनारे पे एयर आई हुई है, ठीक है, तो एयर को हम ऐसे बिठा देंगे।
ध्यान रहे कि ये जो बफ गार्ड होता है इसके ऊपर नखून नहीं मारने होते, नेल नहीं मारना होता, नेल मारोगे तो निशान आ जाएगा, इसलिए हाथ से ही काम करना है, नखून कहीं भी नहीं लगना चाहिए। और कहीं बबल अगर लग रहा है कि जैसे ये बबल भी यहाँ हल्की सी रह गई है, तो इसे वाइपर से ही क्लीन करेंगे दोबारा, वाइपर से ही इसे नीचे की तरफ बिठा देंगे, बट नखून मार के नहीं बैठाना है, वरना वो निशान आ जाएगा और हमेशा के लिए आ जाएगा, जाएगा भी नहीं फिर, क्योंकि ये रबर टाइप होता है ना बफ गार्ड, इसलिए। और अभी इसमें आप देख सकते हैं कि एक आधी बबल है, निकला नहीं है, तो जब ये फ़ोन यूज़ करेंगे हल्का सा हीट होता है तो वो बैठ जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि बफ गार्ड की क्लैरिटी कितनी अच्छी आई है, पीछे की तरफ लग भी नहीं रहा कि इसके ऊपर कोई बफ गार्ड मतलब लगाया है, पीछे लैमिनेशन टाइप कुछ देख रहे हो, फ़ोन एकदम क्लियर है, एकदम क्लीन है। अगर आप ये बफ गार्ड परचेज करना चाहते हैं तो 249 इसका प्राइस है, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।